कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कुरुक्षेत्र दौरा। तो कुरुक्षेत्र को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करोड़ों की विकास कार्यों की सौगात दी है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। कुरुक्षेत्र में 14.24 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र को दी। 3 पावर हाउस का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री ने। तो इसके साथ 11.10 करोड़ रुपए की लागत इन पावर स्टेशंस पर आई है। थानेसर में सरकारी स्कूल के भवन का भी उद्घाटन किया सीएम मनोहर लाल ने। तो इसके साथ 3,20,00,000 रुपए की लागत दरअसल सरकारी स्कूल के भवन पर आई है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। तो इसके साथ बुढ़ापा पेंशन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी इस दौरान दिए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है कुरुक्षेत्र में। स्थापना दिवस रैली के माध्यम से बता दें आपको, परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। 42वां स्थापना दिवस पार्टी आज मना रही है और इस मौके पर कुरुक्षेत्र को 14.24 करोड़ रुपए की सौगात, 3 पावर हाउस का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया, सरकारी स्कूल के भवन का उद्घाटन भी सीएम मनोहर लाल की किया गया इस दौरान। थानेसर में दरअसल सरकारी स्कूल के भवन का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। कुरुक्षेत्र को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी, 3 पावर हाउस का उद्घाटन किया, तो वहीं बुढ़ापा पेंशन के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी इस दौरान दिए गए हैं। कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बड़ी और अहम जानकारी, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और यज्ञदत्त शास्त्री हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं और इस दौरान कई सौगात उनकी ओर से दी गई। यज्ञदत्त, क्या कुछ आज का पूरा कार्यक्रम रहा और आगे क्या कुछ रहने वाला है? जी, जैसे कि आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, इसी को लेकर के प्रदेश में ये जो प्रदेश स्तरीय रैली, जिला स्तरीय रैली पेहवा में आयोजित की गई है, जिसमें सीएम सहित बीजेपी के बड़े बड़े नेता, कई विधायक यहाँ पहुंचे हैं और सीएम ने यहाँ कई परियोजनाओं की सौगात दी है। लगभग 14.25 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को यहाँ पर सौगात दी है, जिसको लेकर के 3 यहाँ पर इस पेहवा एरिया के अंदर बिजली बोर्ड है, उनका बिजली बोर्ड का उद्घाटन किया है। एक स्कूल का निर्माण जो क्षेत्र में किया गया है, लगभग 14.25 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात दी है। यज्ञदत्त, मुख्यमंत्री ने 3 पावर हाउस का उद्घाटन किया है, किस तरह से लोगों को इससे लाभ होगा? जी, जो ये ग्रामीण क्षेत्रों में है, लगभग प्रत्येक गांव के 10-20 गांव के लोगों को इसकी बिजली के वहां लाभ होगा और ये पूरे पेहवा हल्के के अंदर बिजली की जो समस्याएं हैं वो उससे निजात मिलेगी। जी यज्ञदत्त, एक आखिरी सवाल और, मुख्यमंत्री का क्या कुछ आगे कार्यक्रम अपडेट? जी, अभी मुख्यमंत्री का संबोधन बाकी है, अभी जो इसके अलावा भी कई जो घोषणाएं बाकी है वो कर सकते हैं। जो मुख्यमंत्री से आशाएं हैं पेहवा के अंदर, शिक्षा चिकित्सा को लेकर भी कोई घोषणाएं कर सकते हैं। जी शुक्रिया यज्ञदत्त इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो 14.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र वासियों को दी। 3 पावर हाउस का उद्घाटन किया, सरकारी स्कूल के भवन का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अभी संबोधित भी करेंगे कार्यक्रम को।